जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एसएसपी द्वारा महिला आरक्षियों के गठित शेरनी दस्ता को हीरो मोटोकार्प द्वारा 100 स्कूटी मुहैया कराई गई है। इसके साथ प्रत्येक स्कूटी पर सवार पुलिस कर्मियों को हेलमेट भी उपलब्ध कराया गया है, जिसको सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में शेरनी दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंदिर से निकलकर यह दस्ता महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए पुलिस लाइन परिसर में पहुंचा। अब जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से में शेरनी दस्ते की दहाड़ सुनने को मिलेगी। इससे महिला अपराधों में कमी आएगी, चैन चुनौती सहित तमाम आपराधिक गतिविधियां थमेंगे। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा, पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश दी मोदक, एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम, प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे, हीरो मोटर के एरिया मैनेजर हर्ष जायसवाल, नितिन मतन हिलिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए हीरो मोटोकार पे एरिया मैनेजर हर्ष जायसवाल, डीआईजी रेंज राजेश डी मोदक और एडीजी दावा शेरपा ने कहा। हमारे सी एस आर का इनिशिएटिव गोरखपुर पुलिस, गोरखपुर पुलिस के लोगों ने यहाँ पे गोरखपुर के बहुत सब कुछ लगा जो महिला मोबिलिटी उनका है उसके लिए इसमें कुछ प्रूफ मिला। हाँ, जैसे वेंटी रोमियो वाले रहेंगे सर, टोटल 200 हेलमेट आपने दिए। आगे दोनों राइट इधर आओ, इधर आगे देख के दोनों मोटरसाइकिल के जो चालक है वो आ जाएगा। Gracias.
जगह खाली पीछे करो ना, पीछे पीछे जाओ या पीछे। हाँ जी, हर्ष जायसवाल, ये हम लोग अपने हीरो मोटोकॉर्प के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गोरखपुर पुलिस की महिला अधिकारियों को और ज़्यादा सशक्त करने के लिए ये गाड़ियाँ 100 स्कूटर्स दिए गए हैं। ये 100 स्कूटर्स के साथ हम 200 हेलमेट भी दिए हैं। ये कंपनी का अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये गाड़ियाँ दी गई हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो 18 सालों से विश्व में नंबर वन है, वो महिला सशक्तिकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नरत है, उसी के तहत ये गाड़ियाँ दी गई हैं। ये जो दस्ता दिया जा रहा है जो स्कूटी का, ये महिलाओं के लिए स्पेशली है। जो एंटी रोमियो और शेरनी दस्ता जो गोरखपुर में चलेगा, वो यही जो CSIR में जो पैसा आता है, जो होंडा कंपनी ने सही 100 स्कूटी गाड़ियां हमको दी है, उसी में हम चला रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनको फ्लैग ऑफ करेंगे। सर, कहाँ तैनाती होगी? तैनाती ऐसी जगह होगी जहाँ पे ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं या बच्चियां होती हैं, कॉलेजेस के सामने या स्कूल्स के सामने, जहाँ नॉर्मली ये कंप्लेंट आती है कि महिलाओं को थोड़ी बहुत परेशानी होती है। ऐसे जगहों पे जहाँ ऑटो स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, जहाँ महिलाएं वहाँ से ऑटो में या बस में चढ़ती हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं कहीं लगाएंगे, जहाँ मैक्सिमम चेन स्नैचिंग की वगैरह समस्या आती है, तो वहाँ पे हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि इससे महिलाएं सुरक्षित फील करेंगी। सर, सादे में ड्रेस लगाएंगे कि वर्दी में भी रहेंगे? कहीं कहीं वर्दी में रहेंगे, कहीं कहीं हम साड़ी में भी लगाएंगे। मैं कुल 100 मोटरसाइकिलें, मतलब स्कूटी, ये हीरो कॉप की तरफ से दान में दिया गया था। तो ये देहात और शहरों में महिलाओं को लेकर विशेषकर जो गश्त की जाएगी, तो इन्हीं गाड़ियों के माध्यम से गश्त की जाएगी।